शहर की पहचान इन दिनों उद्योग नगरी नहीं गड्ढों की नगरी के रूप में होने लगी है, और वजह है सिवरेज परियोजना तय समय सीमा के बावजूद अब तक भी ये योजना के तहत शहर में खुदाई का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते शहर के हालात बद से बदतर हो चले हैं और गली मोहल्ले और मुख्य सड़कों पर बने गड्ढे भिलवाड़ा को गड्ढों की नगरी बना रहे हैं। इसी के विरोध में कावाखेड़ा शास्त्री नगर इलाके में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया और सिवरेज के अधिकारियों का मुंह काला करने तक की चेतावनी दे डाली। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कावाखेड़ा क्षेत्र में सिवरेज लाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढों के बाद सड़कों की रिपेयरिंग नहीं की गई। लंबे समय से जिम्मेदार महकमे ने सड़कों की सुध तक नहीं ली। ऐसे में यहाँ की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। टूटी सड़कों से उड़ती हुई धूल मिट्टी से लोगों को परेशानी होती है। वहीं हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति इन गड्ढों में गिर करके चोटिल हो रहा है। सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने करीब 1 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही सिवरेज और अन्य जिम्मेदार महकमों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जाम लगाने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी कि जल्द ही समस्या का समाधान अगर नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों का मुंह काला किया जाएगा। पिछले 2 से 3 साल से इस कावाखेड़ा क्षेत्र में इतनी सड़क की हालत ख़राब है और कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय कलेक्टर साहब को कि एसी के चैम्बर से बाहर आइए और बाहर सड़कों पर आकर के देखिए जनता की क्या हालत है। आज सीवरेज रूडी जो ठेकेदार काम कर रहे हैं इतना घटिया काम कर रहे हैं कि सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। पिछले 3 साल से किसी अधिकारी ने, किसी इंजीनियर ने, किसी कंपनी ने यहाँ आकर के इन लोगों की सुध नहीं ली है। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, इससे जनता परेशान है। अगर 5 से 7 दिन में अगर ये रोड ठीक नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। आपको हमारी चेतावनी है कि अपने एसी रूम में से बाहर निकलिए और जनता का काम करिए, जनता की सुध लीजिए और सड़कों को ठीक कराइए। कावाखेड़ा होकर दादीधाम जाने वाले रोड पर 200 मीटर के रोड में 934 गड्ढे हैं और 2 साल से ये गड्ढे हैं। पार्षद, यूआईटी, नगर परिषद, कलेक्टर सब बैरियर घूंगे रंधे हो रहे हैं। शर्मनाक है, यहाँ प्रतिदिन लोगों की हड्डियाँ टूट रही है और मिट्टी का गुबार दिन भर देखने को मिलता है। ये आज जो है जाम लगाया है कुमुद विहार आसपास की कॉलोनी वासी ने, शास्त्री नगर हाउसिंग के बोर्ड के लोग, कावाखेड़ा के लोग, 7 दिन का जिला प्रशासन को, नगर परिषद, यूआईटी को अल्टीमेटम है। अगर इस रोड को नहीं बनाया गया तो यहाँ जाम होगा। आज हमने आज़ाद शर्मा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, एडवोकेट भी हैं, इनको बुलाया है और इनसे निवेदन किया कि इसका स्थायी लोक अदालत में एक मुकदमा भी किया जाए अगर समय रहते इस रोड की रिपेयरिंग या रोड नहीं या नहीं बनता है तो। और सिवरेज वाले शर्मनाक है उनका, अगर वो यहाँ मौके पर आए तो हम उनका मुँह काला करेंगे और मिट्टी से उसका स्वागत करेंगे। जल्दी इस रोड की मरम्मत, नहीं नया रोड बनना चाहिए, वरना प्रशासन को यहाँ आकर के और जवाब देना पड़ेगा सारे कॉलोनी वासियों। कावाखेड़ा चौराया बालाजी मंदिर के पास, यहाँ कावाखेड़ा में पूरी जगह चारों तरफ खड्डे ही खड्डे हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ आसपास रहने वाले बहुत सहयोग करते हैं, उसको उठा के अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है, किसी तरह की सुनवाई नहीं है। सभी को ये अपील है कि ये तुरंत आज 24 घंटे के अंदर इस रोड को ठीक किया जाए, नहीं तो कल वापस धरना दिया जाएगा और रोड को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, बंद का आह्वान किया जाएगा। और ये नीचे गिरते हैं बुढ़े दाने लोग, उनको उठाने के लिए भाग के आना पड़ता है। तो ये रोड सही हो जाता तो हमारे कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ जी, हाँ, इसलिए हमने जाम लगाया है यहाँ का, भाई हमारा रोड सही कराया है यहाँ आके। संतोष सेन के पास में कावाखेड़ा रोड, पूरा रोड खराब हो रहा है। इसको दादीधाम रोड पे 3 रोड निकल रहे हैं, रोड को साफ सही कराओ, खड्डे हो रहे हैं पूरे रोड पे, पूरी मिट्टी निकल रही, खड्डे गिट्टी निकल रही। आए दिन बहुत 2-3 साल हो गए पूरा रोड खराब हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग बाग गिरते हैं, यहाँ पे उठाना पड़ता है उनको जा जाके। पूरी गिट्टी निकली हुई है रोड की, इसको ठीक करवाइए आप। सोने हॉस्पिटल रोड,